यू फॉर यू वॉइस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। टैलेंट की बात करें, हम लोगों ने कोशिश की छोटा सा एक प्लेटफॉर्म देने की, जिसके अंदर लोगों ने खास करके हमारे जम्मू के यंगस्टर्स और जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज से भी, आउटस्कर्ट से भी काफ़ी सब लोग हमारे पास आए। हमने कोशिश की उनका टैलेंट आप तक दिखाएं, जिनमें से सिंगर, जिनमें से काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग आए, जिनमें से थिएटर आर्टिस्ट भी आए, जिनमें से कुछ जो है स्केचिस्ट जो स्केच बड़े अच्छा बनाते हैं वो आए, और काफ़ी सारे लोग आए। हमने कोशिश की आप लोगों को उनसे मिलवाएं। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी आए हैं जिनके बारे में जम्मू के लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ के लोग इनको अच्छे से जानते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे लड़के के साथ जो इतना फ्लेक्सिबल है, जब आप उसके करतब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कोई इंसान इतना फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अगर हम बात करें किसी को भी अपने बॉडी पार्ट्स की, अगर मूवमेंट की, तो एक लड़का है जसप्रीत सिंह कालरा जो कि लुधियाना का रहने वाला है। उसे जो है लिम्का वर्ल्ड जो है इंडिया रिकॉर्ड्स में उसका जो अव्वल नंबर में आया था, क्योंकि उसको जो है एक स्पेशल उसको ख्याति भी मिली है जिसमें उसको ये कहा जाता है कि वो रबर मैन ऑफ इंडिया है। तो रबर मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक जम्मू से भी हमारे साथ यहाँ पे रबर बॉय ऑफ जम्मू है जो कि सुंदरबनी इलाके के रहने वाले हैं। सुंदरबनी की अगर हम बात करें तो जम्मू से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरबनी एक बहुत ही अच्छा टाउन स्थित है, वहाँ का रहने वाला है गौरव शर्मा। हम आपको मिलवाएंगे गौरव शर्मा से, आइए और उसके साथ दिखाएंगे कि कितना फ्लेक्सिबल है और किस तरह से वो एक्ट करके हमें दिखाएगा आज। तो गौरव, सबसे पहले आपका स्वागत है यू फॉर यू वॉइस में। तो गौरव, क्या करते हो आप हमें ये बताओ, और कैसे कर लेते हो, किस तरह से अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करते हो? मतलब कब शुरू किया आपने ये करना? 4-5 साल हो गए, पहले प्रैक्टिस करता था। पहले मैंने सबसे पहले देखा अमेरिका गॉट टैलेंट, उसमें एक आदमी कर रहा था, फिर मैंने सोचा ये कैसे कर रहा है, फिर मैं सोचा एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, फिर मैं करने लगा बस धीरे धीरे सीखते सीखते मैं सीख गया। अब ये सुंदरबनी का जो लड़का है गौरव शर्मा, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि किस तरह से वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स, कितना फ्लेक्सिबल वो है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो करता क्या है, किस तरह से वो आप लोगों को करतब दिखाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि गौरव शर्मा में टैलेंट कितना है। तो गौरव, सबसे पहले आप कुछ थोड़ी चीज़ें जो हैं, मतलब जो आपका टैलेंट है वो करके दिखाओ, ताकि ऑडियंस को पता चले कि गौरव शर्मा में क्या टैलेंट है। गौरव शर्मा का टैलेंट आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाजुओं की मूवमेंट कर रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या गौरव शर्मा में कैसा इतनी, मतलब इतना फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। गौरव, जो भी आपने एक वो जो टांगों के बीच से जो करके दिखाया, एक बार फिर से करके दिखाओ, ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ कहाँ से बाजुएं निकल रही हैं, कहाँ कहाँ से ये कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम आपको क्लोज दिखाते हैं गौरव, थोड़ा सा हम आपसे क्लोजअप में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो एक दो और एक्ट्स करके दिखाओ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गौरव कैसे करता है, तभी इसको जो है सुंदरबनी में स्कूल, जब भी अपने 12th class में पढ़ता है, जब भी अपने स्कूल में इस तरह के करतब करता है, तो इसको रबर बॉय का जो है एक जो है स्कूल के टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इसको जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया है वहाँ पर, रबर बॉय का। तो सुंदरबनी में गौरव शर्मा काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इस तरह के करतब अपने फ्रेंड्स को भी दिखाता है और करता रहता है। अभी हम इसे बात करेंगे और आपको कुछ और भी करतब इनके दिखाएंगे कि गौरव शर्मा ये कैसे करते हैं। गौरव, किस तरह से कर पाते हो यार ये सब कुछ? मैं तो आपको देख के सोच रहा था कि अगर मैंने करना हो तो किस तरह से करूंगा। बस प्रैक्टिस करता है, बस हो गया, फिर प्रैक्टिस करते करते हो गया। तो घर वालों ने कभी मना नहीं किया यार लग जाएगी, कोई क्रैक आ जाएगा, कोई फ्रैक्चर आ जाएगा बोन्स में? नहीं, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। घर में बताया ही नहीं होगा पक्का? पहले नहीं बताया, फिर बाद में जब थोड़ा थोड़ा मशहूर होने लगा फिर अपने आप पता चल गया। क्योंकि इस तरह की चीजें ज्यादातर जब बच्चे घरते हैं ना, वो घर वालों को बताते हैं बाद में, जब थोड़ा बहुत जब पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे ये गलत बात नहीं है कि घर वालों से छुपाते हो? नहीं नहीं, गलत बात नहीं है। नहीं। तो छुपाना चाहिए, पहले छुपाना चाहिए। तो जब आप ये करते हो तो मतलब किस तरह से कर पाते हो, मतलब किस कैसे मूवमेंट्स होती हैं, आप किसी से सीखा आपने? हाँ, मैं बताया ना कि मैं वो अमेरिका गॉट टैलेंट में एक आदमी कर रहा था, उसको मैंने देखा, फिर मैं सोचा कैसे कर रहा है यार ये, मैं भी कर सकता हूँ, फिर मैं सोचा मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं वो किया। उसके बाद वो लिमका बुक्का भी कार्ड वाला, तो लुधियाने वाला लड़का, उसको देखा, फिर थोड़ी इंस्पिरेशन उससे ली,
बस फिर प्रैक्टिस करता रहा, बस हो गया। जब पहले दिन किया था तब हो गया था? नहीं, तब तो नहीं, तब पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ वीडियो बार बार पॉज कर करके फिर देखा। अब करते हो तो आप कुछ दर्द वगैरह तो नहीं होती करने से? नहीं अब नहीं होती, पहले बड़ी होती अब थी। यूज टू हो चुके हो? हाँ ठीक है। तो गौरव हमारे साथ हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफी फ्लेक्सिबल हैं ये, अगर हम बात करें पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बाजू में घुमाते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं। कुछ और इनके कर्तव्य हम आपको दिखाएंगे, जरा गौरव कुछ और दिखाइए, क्योंकि जो ऑडियंस अभी हमारे साथ जुड़ रही है वो भी देखिए गौरव क्या कर सकता है। तो गौरव सुंदरवनी का रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं, अब कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो आप भी अगर ट्राई करें तो ये चीजें करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए और कुछ हो रहा, ये आप देखिए, क्लोजअप दिखाते हैं आपको किस तरह से गौरव कर रहा है। ये टैलेंट है हमारे जम्मू में अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी टैलेंट अभी तक जम्मू में ही है। सुंदरबनी का रहने वाला है गौरव, कोशिश कर रहा है ये अपने टैलेंट को बाहर निकाले, यूट्यूब में वीडियोस पोस्ट करता है। हमने भी जब देखी तो हमने कॉन्टैक्ट किया गौरव से कि गौरव इतना टैलेंटेड है, ज़्यादातर हमें कुछ लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं वो खुद कांटेक्ट करते हैं, लेकिन गौरव का जो आर्ट है उसको देखकर हम लोग रहा नहीं गया हम लोगों से, और हम लोग गौरव तक पहुंचे और हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की गौरव में क्या टैलेंट है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपको और लोग ये भी कह रहे हैं कि OMG किस तरह से हो पाता है ये। तो फिलहाल इस तरह की चीज़ें, ये एक गॉड गिफ्टेड है गौरव में। और गौरव जो आप टांगों के बीच से बाजू निकालते हैं यार, वो करके दिखाओ, क्योंकि मैं तो फैन हो गया उस चीज को देख के, कैसे करते हो? कुछ समझ नहीं आ रहा बाजू में कहाँ से घूम रही है, कहाँ से आ रही है। ये टैलेंट है गौरव के अंदर, जिसे हमने जिसके लेकर इनको जो है एक रबर बॉय भी कहा जाता है सुंदरबनी में। अब कुछ और करने जा रहे हैं गौरव, ये देख सकते हैं आप, ये टैलेंट है जम्मू का, सुंदरबनी का रहने वाला है, छोटा सा कस्बा। सुंदरबनी की अगर बात करें, सुंदरबनी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है जिसे पेली गंधे कहते हैं। गौरव जो है पेली गंधे के रहने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। बाबा रामदेव जी को भी देखा होगा आपने इस तरह के योगा करते हुए, लेकिन बाबा जी ने तो काफी देर से इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करते रहे हैं, लेकिन गौरव इतनी छोटी सी उम्र में, लगभग अभी 18 साल का है, और आप देख सकते हैं कि गौरव के अंदर टैलेंट कितना है। ये टैलेंट गौरव को गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ 3-4 साल की ट्रेनिंग और 3-4 साल में इतनी प्रैक्टिस कर दी कि और गौरव आज यहाँ तक इतना अच्छा टैलेंटेड जो काम कर रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से। हाँ गौरव दिखाइए जरा, सो ये टैलेंट है गौरव में, और भी काफी सारे टैलेंट है वो गौरव हमें दिखाएगा। तो गौरव अब एक जसप्रीत सिंह कालरा है लुधियाना के, जिनको हाँ। रबर मैन भी कहा जाता है, जिनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका रिकॉर्डेड है। आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ तक अपनी जो है दौड़ लगाएंगे, और क्या आपके भी कुछ एम्स होंगे अगर आप बात करें इसी चीज को आगे कितना बढ़ाना चाहते हो? पहला टारगेट तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और जी मेरा लास्ट एम है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंचना। जी, तो गौरव के पिताजी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, प्रीतम लाल शर्मा जी। गौरव आप गौरव के साथ आ जाइए। प्रीतम लाल जी, गौरव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें टैलेंट है, किस तरह से वो मतलब इतना फ्लेक्सिबल है, तो मतलब हमें कुछ भी पता नहीं है ये, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं वो है हमारे लिए। तो मैं तो इसको यही बोलता हूँ कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ी नहीं करो, ज़्यादा करो, थोड़ा कुछ आगे जाने की कुछ सोच करो, घर बैठे हुए कुछ नहीं होगा। तो ये बोलता है मगर पड़ा रहता है, पापा ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, मैं करते चलो जहाँ तक गाँव बापड़ा चलता है वहाँ तक आगे चलो, तो इतना ही है। तो जब ये नया नया इन्होंने स्टार्ट किया था, आप लोगों को हम बताया खुद था? डरते थे, अच्छा हम खुद डरते थे, बेटा क्या क्या कर रहा है, टूट जाएगी बाजू टूट जाएगी। ये बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, चोरी दरवाजा बंद करके अंदर अकेला लगा रहा था, और इसके अंदर वो अपने अंदर कोई अपनी शक्ति थी क्या है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा गौरव शर्मा के बारे में, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। गौरव शर्मा जो है सुंदरबनी के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं,
सुंदरबनी से 8 किलोमीटर आगे इनका गांव पड़ता है जहां के गौरव शर्मा रहने वाले हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और सिर्फ अभी उम्र इसकी 18 साल है। इसके पिताजी से हमने बात की, प्रीतम लाल जी से, एक टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका बेटा है। तो जहां पे इतने टैलेंट्स हमारे हिंदुस्तान में छुपे हुए हैं, वहीं जम्मू के एक छोटे से कस्बे सुंदरबनी का ये एक टैलेंटेड बच्चा है जिसको अभी फिलहाल कोशिश की है हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देने की। और जहां जहां तक ये वीडियो सर्कुलेट होगा लोगों को पता चलेगा कि जम्मू में कितना टैलेंट है। तो फिलहाल इस तरह के कर्तव्य हमें आपको और भी दिखाएंगे क्योंकि कुछ ऑडियंस अभी भी हमारे साथ जुड़ रही है। हम कोशिश करेंगे गौरव से एक बार फिर से उसको रिपीट करवाने के लिए। तो प्रीतम जी, अब आप क्या चाहते हैं, बेटा आपका इतना टैलेंटेड है, कहाँ तक अपने बच्चे को पहुँचाना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ इंडिया लेवल से बाहर भी जाइए जी, जितना हमसे होगा इतना हम इसके पीछे करेंगे। आपने कभी तो सोचा था कि जैसे आप एक छोटी सी टैक्सी ड्राइवर हैं? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, मगर वो जो ऊपर वाले गार्ड गिफ्ट है वो देने वाले, हम कुछ नहीं देने वाले, करना इसने है, कर्तव्य इसने दिखाना है। और प्रीतम जी, एक आपसे सवाल है, जिस तरह से आप भी पिता हैं गौरव के, जी गौरव का कर्तव्य देख के कई बच्चे होते हैं ना वो भी करना शुरू हो जाते हैं और कई बार अपनी बाजुओं को इफेक्ट कर लेंगे, कुछ बोन्स फ्रैक्चर करवा लेंगे, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप दे दीजिए ताकि लोग अगर इस तरह के काम करने चाहें तो उसके लिए प्रैक्टिस करें खुद ही घर में। जब तक उसकी जो हड्डी है ना, ये हड्डी के ऊपर है, जब तक इसकी हड्डी अपनी कामयाब नहीं होती है काम करने में, जैसे हिलानी है, पीछे लेनी है, हम नहीं कर सकते हैं, तो टूटनी है। जिसका फेस्टिवल है वो ही कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता कोई। तो आप लोगों ने सुना कि प्रीतम जी ने यही कहा है, अगर आप लोग भी गौरव का आर्ट देख रहे हैं तो इसी तरह से मत ट्राई कीजिए। अगर आपको करना भी है तो प्रॉपर योगा वगैरह स्टार्ट कीजिए, तभी आपके अंदर भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। गौरव ने भी 2-3 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आज गौरव ये सब कुछ कर पा रहा है। जिस तरह से हम लोग रेसलिंग, WWE देखते हैं, उसके बाद स्टंट्स घर में बच्चे करना शुरू होते हैं, इस तरह के स्टंट्स ना करें। अगर उनको अच्छी सी प्रैक्टिस है या गौरव के वीडियोस देखते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करें। तो गौरव, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है घरों में इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, क्योंकि कोई अपनी बाजू के साथ ना फ्रैक्चर करवा ले, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए? मैं तो ये बोलूँगा कि कोई बिना मतलब ऐसे ना करे, बिना प्रैक्टिस, मतलब कि बिना देखे प्रैक्टिस किए मतलब कर लिया, हड्डी भी टूट सकती है, ऊपर खींचती है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसको घर पर ट्राई नहीं करना चाहिए। गौरव, अपना काफ़ी सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो वो एक बार फिर से देखना चाहते हैं कि जो रबर बॉय हमारा सुंदरबनी का है वो क्या क्या कर सकता है। तो गौरव, एक बार अभी हम देखेंगे और एक बार लास्ट में भी देखेंगे, थोड़ा सा आज आपको तंग करेंगे। तो फिलहाल जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, गौरव सुंदरबनी का रहने वाला है, छोटे से कस्बे का रहने वाला लड़का, इतना फ्लेक्सिबल उसकी बॉडी है, रबर बॉय का हमने उसको जो है, एक जो उसके गाँव के लोग भी उसे रबर बॉय कहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाजू कहाँ कहाँ से निकालता है, क्या क्या करता है, कितना फ्लेक्सिबल इसकी बॉडी है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कि कितना फ्लेक्सिबल है गौरव। और जब भी ये करता है तो मैंने इसको यही पूछा कि गौरव बाद में दर्द वगैरह तो नहीं होती बॉडी में, तो इसने कहा कि नहीं, अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, प्रैक्टिस इतनी करता हूँ कि अब नहीं होता उस तरह कुछ भी। तो फिलहाल अगर आप भी कभी ट्राई करें तो इतना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी गौरव के साथ जब बात करा था तो मैंने कहा गौरव मैं भी करके देखता हूँ, तो मेरे से नहीं करना कर सका मैं ये चीज़ें। ये आप देख सकते हैं, ये गौरव का आर्ट है, ये गॉड गिफ्टेड है, उसमें बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि कुछ भी कहीं पे भी इसकी बॉडी जो है घूम रही है। अगर हम बात करें एक लुधियाना की, तो लुधियाना में जसप्रीत सिंह कालरा हैं जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी गए हैं और उसे रबर मैन की भी जो है उपाधि प्राप्त है। तो ये आर्ट है गौरव के अंदर। चलो मैं भी एक ट्राई करता हूँ गौरव के साथ, मैं अपने कैमरा पर्सन को माइक देता हूँ फिलहाल। चलो गौरव, मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ, वैसे तो जीन्स में हूँ तो मुश्किल होगा मेरे लिए, तो हम ट्राई करते हैं कि गौरव किस तरह से ये करता है, कोशिश करता हूँ अगर मैं कर पाया कि नहीं कर रहा है। तो गौरव किस तरह से करें पहले मुझे भी थोड़ा सिखाओ। हेलो, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा तो मुश्किल है ये बड़ा करना। चलो हम वो टांगों वाला एक बार फिर करके देखें, क्योंकि मैं उसका फैन हो गया कि वो किस तरह से। ये देखिए आप, एक मिनट रुको ना, मैं भी करता हूँ ये। आप क्या किया यहाँ पे, बात करेंगे? ये नहीं हो पाएगा तो फिलहाल मैं माइक ही ले लेता हूँ, ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी। और जो गौरव की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, तो
काफी अगर हम बात करें गौरव की, तो इतना टैलेंट है गौरव के अंदर, और मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव तक हम पहुंचे कैसे। गौरव तक हमारे पहुंचने के पीछे एक बड़ा ही बहुत ही बड़ा हाथ है। सुंदरबनी के ही एक युवक है वरुण, जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था और हमें ये बताया था कि हमारे सुंदरबनी का एक इसी तरह से एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल लड़का है, जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसका कर्तव्य देखेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे लाइफ के बिना। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा वरुण जी का भी कि जिस तरह से वरुण जी ने हमें मिलवाया गौरव के साथ, और हमने जम्मू की ऑडियंस को और जम्मू के लोगों को दिखाया कि किस तरह से आर्ट हमारे जम्मू के आसपास के इलाकों में भी छुपा पड़ा है। बस उस आर्ट को अंदर ना रखिए, ज़रूर बाहर निकालिए। जिस तरह से गौरव का आर्ट देख सकते हैं आप आज यू फॉर यू वॉइस में सबसे पहले एक्सक्लूसिव, आप लोग अब इसके बाद बाकी वेबसाइट्स में भी देखें, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग इसी तरह से जो है, जो हम जो चीज़ भी दिखाते हैं उसके बाद कॉपी तो होता ही है। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं वो ये है, गौरव सबसे पहले यू फॉर यू वॉइस पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। फिलहाल जाते जाते गौरव से हम एक लास्ट बार एक बार फिर से उन्हें बोलेंगे कि एक कोई अच्छा सा कर्तव्य दिखाए, ताकि जो ऑडियंस है उनको पता चले कि गौरव में क्या कितनी ज़्यादा जो उसके अंदर है, जो वो ये इस तरह के काम कर सकता है। तो गौरव लास्ट में आप हमें कोई अच्छा सा कर्तव्य करके दिखाएं और उसके बाद हम अपनी ऑडियंस से विदा लेंगे। तो गौरव शर्मा सुंदरबनी के रहने वाले, छोटे से कस्बे के रहने वाले, सुंदरबनी से 8 किलोमीटर की दूरी पर इनका विलेज है पेली गंदे। पेली गंदे की बात करें तो वहाँ पे लगभग 2000 के करीब पॉपुलेशन होगी जहाँ के रहने वाले हैं गौरव शर्मा। गौरव शर्मा के पिताजी प्रीतम लाल शर्मा जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हैं, फिलहाल गौरव शर्मा 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में, और उनको स्कूल के ही लोगों ने एक बहुत ही बड़ी ख्याति दी है, रबर बॉय ऑफ सुंदरबनी। तो आज से मैं ये कहूँगा कि रबर बॉय ऑफ सुंदरबनी के साथ साथ वो रबर बॉय ऑफ जम्मू भी हैं, क्योंकि जम्मू में इतना फ्लेक्सिबल मुझे नहीं लगता गौरव से ज़्यादा कोई है। अगर कोई हो तो वो हमें कॉन्टैक्ट करे, हम गौरव और उसका कोई भी जो भी अपने आप को समझता है वो गौरव की तरह इतना फ्लेक्सिबल है, तो हम ऑन लाइव जो है कंपटीशन करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन है। तो फिलहाल 12वीं कक्षा का पढ़ने वाला गौरव शर्मा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी सुंदरबनी का 18 साल जस्ट उम्र है, और जो ये कुछ करता है इसको करते हुए सिर्फ अभी तक 2 और 3 साल की प्रैक्टिस है। और हमारे साथ आज लाइव थे गौरव, गौरव जो कि सुंदरबनी के रहने वाले हैं, और सुंदरबनी में इनको रबर बॉय ऑफ सुंदरबनी कहा जाता है, लेकिन सुंदरबनी के रबर बॉय वो कल तक थे, लेकिन आज यू फॉर यू वॉइस में लाइव आने के बाद अब वो रबर बॉय ऑफ जम्मू बन चुके हैं। अगर आप लोगों में भी कोई इसी तरह का टैलेंट है, आप लोग अपने अंदर वो टैलेंट ना रखें, हमारे पास आएँ, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम लोग आप तक पहुँचेंगे और आपका टैलेंट पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में या फिर वर्ल्ड वाइड इसी तरह से ब्रॉडकास्ट करेंगे। आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के साथ इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए।